ना ही इनका विजन है, ना ही इनके पास कोई स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर लड़ने की कोई बात है, ना ही इनकी स्टूडेंट वेलफेयर की कोई प्लानिंग है। जैसे कहा जाता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, तो ये वो लोग एंटी स्टूडेंट तो है ही, SFS एंटी सोशल है, एंटी किसान है। अब जिस भी वो प्रोटेस्ट में जाते हैं, वो प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो प्रोटेस्ट कैसे खराब हो। ऐसा लगता है कि भी वो बड़े ही एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट स्टोन पेल्टर्स हैं। जैसे कि कश्मीर में हम देखते हैं, ये SFS है, ये स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी नहीं है, हम कह सकते हैं कि शेम फॉर सोसाइटी है। योर वोट योर वॉइस। हेलो एंड सत श्री अकाल, दिस इज हरिका फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटीज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टूडेंट रन मीडिया चैनल PU पल्स। We are back with another chapter on PU Vota Diya. And today we have with us ABVP party and extend a very warm welcome to Mr. Kuldeep and Mr. Harish. Hello, thank you. मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ABVP बहुत पूरा काफ़ी टाइम से काम कर रही है और स्टूडेंट इलेक्शंस में काफ़ी टाइम से एक्टिव रही है, स्टिल अभी तक वो काउंसिल में नहीं आ पाई है, चाहे इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऐसी क्या कमी रह जाती है कि वो अभी तक काउंसिल में नहीं आ पाई है? देखिए, हम हमेशा से ही 1949 से पूरे देश में काम कर रही है, तो इस यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सालों से काम कर रही है। काउंसिल में भी हम काफ़ी बार जीते हैं, ऐसा नहीं है कि हम काउंसिल में कभी आए ही नहीं, हम काउंसिल में जीते हैं। लेकिन बीच में एक टाइम था जिसमें हम प्रेसिडेंट को छोड़ के नीचे की पोस्टों पे कंटेस्ट करते थे, लेकिन 2017 से हमने दोबारा से प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लड़ना स्टार्ट किया है और उस टाइम से तब से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। 2018 के इलेक्शन को आप देखेंगे तो 2018 के इलेक्शन में हम बिल्कुल विनिंग पोजिशन में थे, लेकिन सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसमें हम रनर अप रहे थे, 19 में भी हम रनर अप रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भी हम जीतने वाली पोजीशन में नहीं है, स्टूडेंट्स हमें चाहता है, स्टूडेंट्स हमारे लिए वोट करता है। लेकिन बहुत सारी जो दूसरी स्टूडेंट पार्टियां हैं जिनको हमसे थ्रेट है, जिनको लगता है कि भी ABVP नहीं जीतनी चाहिए, तो आपस में मिलकर के इस तरीके से हमें मतलब हराने का, या फिर ये कहे कि भी हम वो विनिंग जो मार्जिन है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब की बार हम यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और आने वाले दिनों में देखोगे जब भी डेट अनाउंस होगी उसके बाद चुनाव में बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे और इस स्टूडेंट काउंसिल में हम जीत के आएंगे। ABVP के काफ़ी पुराने लीडर्स ABVP की पार्टी को छोड़ चुके हैं और इवन जिन्होंने ABVP के फ्रंट पे कॉन्टेक्स्ट भी किया है वो भी ABVP की पार्टी को छोड़ चुके हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लीडर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, कुछ एक नए स्टूडेंट्स या नई जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुए हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोग या जिन लोगों की बात की जा रही है कि जिन्होंने ABVP पे कंटेस्ट किया था वो पहले किसी और पार्टी में थे। ये हर बार आते हैं नए नाम से पार्टी में अपना चुनाव लड़ते हैं, हर साल का इनका काम है ये। और एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ना कि भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हर बार धोखा करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हर बार बरगलाते हैं, ना ही इनका विजन है, ना ही इनके पास कोई स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर लड़ने की कोई बात है, ना ही इनकी स्टूडेंट वेलफेयर की कोई प्लानिंग है। जैसे कहा जाता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, तो ये वो लोग हैं। ABVP के लोग ABVP में ही हैं और जो लोग आइडियोलॉजिकली और जो हमारे वर्किंग कल्चर को, हमारी कार्यशैली को और हमारे सिद्धांतों को फॉलो करते हैं वो आज भी ABVP में ही हैं। तो आपको नहीं लगता आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि ऐसे लोग जो दूसरी पार्टीज को छोड़ के आ चुके वो ABVP में दोबारा ना आ पाए? देखिए, ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है हम उसको लें, उसके बाद हम उसको जैसा चाहते हैं वैसा बनाएं। लेकिन कुछ लोगों की आप फितरत नहीं बदल सकते हैं, उनका एजेंडा ही सिर्फ चुनावों तक होता है, उनका स्टूडेंट से कोई राबता नहीं है, उनका स्टूडेंट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप किसी को ऐसे रोक के नहीं रख सकते हैं, आप अपनी विल से आइए। हम कहते हैं आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम करके देखिए, फिर आपको लगेगा तो फिर आप हमें बताइए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम है, देखिए अगर आप, ये लिस्ट बड़ी लंबी है, आप स्टार्ट होंगे तो 10 से 11 पार्टी बदल चुके हैं। आप जिन सोकार्ड लोगों की बात कर रहे हैं उनकी कैंपस के अंदर इमेज कैसी है, लोग उनको किन किन नामों से बुलाते हैं, आप सब बड़े उनसे वाकिफ हैं। जब भी मेमोरेंडम सबमिट करने की बात आती है तो ABVP हमेशा आगे रही है, चाहे वो 16 डिमांड्स वाले मेमोरेंडम्स हो। तो आपको क्या लगता है कि मेमोरेंडम सबमिट करने से सारे स्टूडेंट इशू रिजॉल्व हो जाते हैं? मेमोरेंडम इशू करना, अब यूनिवर्सिटी में कोई भी समस्या होगी तो अथॉरिटी को तो बतानी पड़ेगी, तो उसका एक तरीका है स्टार्टिंग में मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बाद प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट भी ABVP करती है और मेमोरेंडम भी इशू करती है, चाहे बात हो कोरोना टाइम की, जब कोरोना टाइम में फीस इंक्रीज़ कर रही थी उस टाइम ABVP का लगातार 48 डेज लगातार प्रोटेस्ट चला
और वो प्रोटेस्ट कोरोना टाइम में भी चला, इसलिए कि जो फीस बढ़ रही है उसको कम किया जाए। मेमोरेंडम उससे पहले दिया लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उन डिमांडों को मनवाना, ये बीपी करती है। अभी जैसे आपने फी हाइक के इशू के बारे में बात की, तो जब फी हाइक का इशू हुआ था तो बाकी पार्टीज एक तरफ थी और एबीवीपी एक तरफ, तो कहा जाता है कि एबीवीपी कभी जॉइंट प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती है, इसका क्या कारण है? 2017 में जब सारी पार्टी एक तरफ थी एबीवीपी, उनका जो प्रोटेस्ट था, हमारा प्रोटेस्ट लगातार उस टाइम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हम उस टाइम भी लगातार, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी थी जो एबीवीपी को उसमें ज्वाइन नहीं होना देना चाहती थी प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने स्पेशल मीटिंग करके एबीवीपी को बाहर रखने के लिए बोला गया था। देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स से भी पूछ के देखिएगा, 2017 के अंदर भी हमने फी आई के अगेंस्ट हमारा लगभग 30 दिनों से ऊपर हमारा प्रोटेस्ट चला था, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़े थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई या सारी पार्टियां मिलकर लड़ी, उसमें एक स्पेसिफिक पार्टी ने सभी लोगों को जॉइंट प्रोटेस्ट के नाम पे इकट्ठा किया, स्टूडेंट्स को बरगलाया, और सबको ध्यान है कि प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से प्रोफेशनल पत्थरबाजी कश्मीर में होती है, वही मॉडल यहाँ अख्तियार किया गया। और उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी का एक इमोशनल स्टूडेंट है, जज्बाती स्टूडेंट है, आज उनके उन लोगों के ऊपर केस हैं। तो हम इस तरीके से किसी भी प्रकार की हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, हम जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट हैं, उसको अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, हम अथॉरिटी के सामने बात रखते हैं, और जब अथॉरिटी किसी सॉल्यूशन पे या बातचीत नहीं करती है, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, और बड़े आराम से, बड़े प्यार से। हमने किसी भी प्रोटेस्ट में या किसी भी आंदोलन में कभी भी तोड़फोड़ का सहारा नहीं लिया, हिंसा का सहारा नहीं लिया है, और ऐसे यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ धोखा नहीं किया है कि उनको प्रोटेस्ट में आगे करके पत्थरबाजी करके उनके करियर के साथ खिलवाड़ करवाई जाए और उन पर केस करवाई जाए। जब भी मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है, जैसे आपने अभी 16 डिमांड्स वाले मेमोरेंडम सबमिट किया, उस पर एक प्रोटेस्ट किया आपने, लेकिन जितने बाकी मेमोरेंडम जो आपने सबमिट किए उस पर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 16 डिमांड्स जो रखी थी, अगर आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे तो डिपार्टमेंट वाइज हर हमारे कार्यकर्ता ने हर डिपार्टमेंट में जा करके जो डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट से मिल करके वो सारी डिमांड्स रखी, थ्रू दी चेयरपर्सन वाइस चांसलर को सबमिट की गई। तो वो कुछ एक अलग अलग, जब क्या है कि किसी एक डिमांड को लेकर के आप एक बार मेमोरेंडम देते हो, तो उस टाइम हमने सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के इकट्ठा उनको कोलैब किया, और हमने वाइस चांसलर को लगभग इस हंगर स्ट्राइक से एक महीने पहले हमने अपने मेमोरेंडम सबमिट किया, उनको कहा कि भी आपके पास इसको तय समय में आप इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन अथॉरिटी नहीं जागी। उसके बाद मजबूर होकर के हमें उन सारी चीज़ों को कलेब करके, उन पूरी 16 डिमांड्स को लेकर के, जिसमें आपकी एकेडमिक्स के रिलेटेड भी डिमांड है, जिसमें स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स की भी डिमांड है, जिसमें साउथ कैंपस की भी डिमांड है, जिसमें फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स की भी डिमांड है, जिसमें फी हाइक का भी मसला है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे। उसके बाद यूनिवर्सिटी को मजबूर होना पड़ा और हमारे धरने पे आ करके उन्होंने रिटर्न में हमें दिया कि इन इन चीज़ों के सोल्यूशन के लिए हम इतना समय दो, इतने समय के बाद हमें रिजोल्व कर देंगे, अगर वो रिजोल्व नहीं करते हैं तो हमारे पास, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से हम धरने के ऊपर बैठेंगे। स्टूसी पे अभी रिसेंटली आपकी जो दूसरी पार्टी से बहस हुई है, उस पे दूसरी पार्टी का क्लेम है कि एबीवीपी के लीडर्स को उसी टाइम थाने से छोड़ दिया गया था और बाकी पार्टी के लीडर्स को रात भर थाने में रखा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? जब उस दिन एनएसयूआई के साथ हमारा प्रोटेस्ट आमने सामने होता, हम वहाँ बिल्कुल नॉर्मली अपना प्रोटेस्ट और एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे थे। सिग्नेचर कैंपेन पहले यूआईटी में चलता है, फिर वो स्टूडेंट सेंटर पे आता है। स्टूडेंट सेंटर पे हम लोग आराम से अपना सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, वहाँ दूसरी पार्टी नारा लगाती है एबीवीपी मुर्दाबाद, तो वहाँ आमने सामने गर्मा गर्माई हुई, उन्होंने हमारे खिलाफ़ नारे लगाए, हमने उनके खिलाफ़, लेकिन हमारा एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और सिग्नेचर कैंपेन थी। उस सिग्नेचर कैंपेन के बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस हमको उठा के लेती है पहले, लेकिन हम लोगों ने वहाँ ना तो कोई भी वहाँ बदमाशी की, ना वहाँ DSW का ताला लगाया, ना हमने वहाँ कोई भी सरकारी काम में बाधा नहीं बने हम, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो वहाँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के काम में बाधा बन रही थी, वो उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ पर्चा कराया। हम लोग तो सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें तो पुलिस छोड़ देगी, हमने तो वहाँ ना कोई झगड़ा किया, ना धक्का मुक्की की, ना किसी को रोका, तो हम लोगों को इसलिए छोड़ा गया है। देखिए, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सब समझदार हैं, जैसा हरीश ने बताया है कि हम वहाँ हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे, NSA का वहाँ प्रोटेस्ट जारी था। देखिए, सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, सब अपनी अपनी तय सीमा में रह के अपना प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का
एक माहौल रहा है यूनिवर्सिटी में, एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि कभी भी कोई प्रोटेस्ट करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाती है तो कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने आके उसके खिलाफ नहीं बोलती है, हम नीचे अपना काम कर रहे थे। दूसरा क्या है कि यूनिवर्सिटी में ABVP का ग्राफ बढ़ रहा है, दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने उस सिग्नेचर कैंपेन को बिगाड़ने के लिए ऊपर से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नारे लगाए, इतना मसला था। उसके बाद हमारे इन स्टूडेंट लीडर्स को भी पुलिस उठा के लेके गई थी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों के ऊपर पूरे दिन से प्रोटेस्ट करते हुए DSW के बाहर ताला लगाना, जो भी उनका तरीका है उस तरीके के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से उनके साथ प्रशासन ने डील किया। लेकिन हमारे लोग जहाँ पे सिर्फ अपना सिग्नेचर कैंपेन चला रहे थे, उस कैंपेन के लिए उसके सामने जो प्रोटेस्ट हुआ सिर्फ उस चीज़ के लिए उठा के लेके गए, तो बाद में उन्होंने जब तहकीकात की पता किया सारा तो उनको लगा कि भाई ये इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। ओपोजिशन का ये भी कहना है कि ABVP जो भी इश्यूज उठाती है वो सब प्री प्लान्ड होते हैं और अथॉरिटीज़ भी इवन उनको फेवर करती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल नकारा बात है। अगर अथॉरिटी हमारी सारी बात मानती तो हम कोरोना टाइम में भी प्रोटेस्ट पे क्यों बैठते? और हम जितने प्रोटेस्ट करते हैं अथॉरिटी हमारी बात इसलिए मानती है, अगर कुछ बात मानती है, आज मान लो हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि हमारी ताकत इतनी है, हम स्टूडेंट के बीच इतना इन्वॉल्व है कि डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन को पता है, और जब वो ऊपर रिपोर्ट देते हैं तो बताते हैं कि अगर ABVP प्रोटेस्ट करेगी वो मास लेवल पर करेगी, जो कि यूनिवर्सिटी को उसका जानना भुगतना पड़ेगा, इसलिए हमारी मांगें मानी जाती है। SFS ने ये भी क्लेम किया है कि आप एक एंटी स्टूडेंट पार्टी हैं, इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, उनके पास इस यूनिवर्सिटी में अपने लेवल पे आज कुछ गिनाने को नहीं है, आज वो उनके पास करने को कुछ नहीं है, ना ही वो कहीं इस कैंपस में आज के दिन खड़े हैं, तो इस तरीके के आरोप लगाएंगे जो कि निराधार हैं। आप सब जानते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं आज के दिन यूनिवर्सिटी का सारा स्टूडेंट्स, वो चेक कर सकता है कि ABVP हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने स्टूडेंट्स के लिए किन किन मुद्दों पे, किन किन स्तर पे लड़ाई लड़ती है। एंटी स्टूडेंट पार्टी वो खुद हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट में, बहुत सारे आंदोलनों में स्टूडेंट्स के साथ धोखा करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2017 में जो पत्थरबाजी हुई थी, इतना बड़ा मुद्दा हुआ था, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार है। आप उस वीडियो को कभी जाके देखेंगे तो पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे चांसलर दफ्तर के शीशे तोड़े गए हैं। ऐसा लगता है कि वो बड़े ही एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट स्टोन पेल्टर्स हैं, जैसे कि कश्मीर में हम देखते हैं। तो उन सब लोगों ने जब स्टूडेंट्स को बरगला करके, उनके साथ जज्बाती हो करके उनको आगे किया और इतने लोगों पर केस करवाए हैं। आप पीछे कोई लाइब्रेरी का प्रोटेस्ट हो जाए उसमें उन्होंने शीशे तोड़ने हैं, पीछे कोई दूसरा रीडिंग हॉल खुलवाने की बात हो वहाँ भी धक्का मुक्की है। तो आप ये खुद तय करिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को खुद तय करने दीजिए कि जो एंटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, जो स्टूडेंट्स का अहित चाहती है वो कौन है, और स्टूडेंट्स के हित में कौन खड़ा है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो एंटी स्टूडेंट तो है ही SFS, एंटी सोशल है, एंटी किसान है। अब जिस भी वो प्रोटेस्ट में जाते हैं वो प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो प्रोटेस्ट कैसे ख़राब हो। अब कुलदीप जी ने अभी सारी यूनिवर्सिटी की बात बताई, अभी जब पीछे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में भी उन लोगों को वहाँ से निकाला गया धक्के मार के कि ये लोग प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। मतलब वो एंटी स्टूडेंट, एंटी सोशल, एंटी किसान है, हर चीज़ के एंटी है, समस्या समस्या है, सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं है उनके पास। और जो SFS है ये स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी नहीं है, हम कह सकते हैं कि शेम फॉर सोसाइटी है। कोविड के टाइम में जब बच्चों को प्रमोट करने की बात करी जा रही थी यूनिवर्सिटी में, तब ABVP का कहना था कि एग्ज़ाम्स लिए जाने चाहिए, क्या आप इसे स्टूडेंट वेलफेयर मानते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के सबसे पहले हमने कहा कि आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए, आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब फिज़िकल मोड में। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि आपने क्लासेस ऑनलाइन करी हैं तभी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं था। हमने कहा था कि भी आप फिज़िकल मोड में स्टार्ट करिए, उसके बाद फिज़िकल आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम सबको पता है कि पिछले 2 साल में जितना नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ है उतना शायद किसी कम्युनिटी का नहीं हुआ है, तो इसलिए ABVP किसी भी मौके पे, किसी भी दिन ये नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स का उनके एकेडमिक्स में, उनकी पर्सनल ग्रोथ में कहीं भी नुकसान हो। और ये बिल्कुल गलत है और निराधार है कि भी हम कोरोना के टाइम में जब सबकी जान पे बनी थी तब हम चाह रहे थे कि फिज़िकल एग्ज़ाम हो, हाँ हमारी डिमांड थी, लेकिन हम चाहते थे भी किसी तरीके से, चाहे आप रोटेट करके, चाहे आप किसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के एग्ज़ाम एक बार में करवाइए, हमारी ये डिमांड थी और इसके ऊपर हमने बात की थी। और हमने एक चीज़ और की थी कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, हमने ये नहीं कहा कि एग्ज़ाम आप ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन करो। वो इसलिए था, अब हम लोग स्टूडेंट हैं तो बचपना तो हम लोगों में होता ही है, अब हम जिस भी क्लास में हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हम लोग अगर प्रमोट होते तो मेरे हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट का नाम भी ना जानते,
वो ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को सब्जेक्ट का नाम तो पता चला, हम पढ़े तो हमने थोड़ा बहुत अपनी स्टडीज़ के ऊपर काम तो किया, तो इसलिए भी चाहती थी कि एग्ज़ाम ज़रूर हो, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में एग्ज़ाम। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि ABVP को आप एक लाइन में डिस्क्राइब करें कि स्टूडेंट सिर्फ आपको ही वोट दें और इस बार आप जीत जाएं इलेक्शंस में। देखिए, जब आप पीछे हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, जब ये देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे कुछ विचारक थे या कुछ बड़े लोग थे, उनके सामने एक प्रश्न था कि देश आज़ाद हो गया है लेकिन जो एक युवा शक्ति है इसको दिशा देने के लिए, इस युवा जोश को, इस युवा ताकत को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस पर्पज से ABVP का निर्माण हुआ था। आज हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमसे जुड़े, उसके पीछे रीजन है। देखिए, हम ज्ञानशील एकता के मोटो के साथ काम करते हैं, नॉलेज कैरेक्टर और यूनिटी के साथ। हम हमेशा भी कोई भी डिमांड्स हैं, कोई भी मुद्दा है, उन चीज़ों को सॉल्यूशन तक ले जाने की बात करते हैं। हम सिर्फ कभी भी ये सिर्फ प्रॉब्लम रेज नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं उस कैंपस की, फिर हम उसको सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे में अनुशासन है, बड़ा अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है और सालों से चला आ रहा है। दूसरा कि आप हमारे साथ काम करके देखिए, अब जैसे आप देखेंगे कि हमारे साथ जितना भी स्टूडेंट जुड़ता है वो बड़े एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, किसी की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई इतना है कि भी किसी को स्पेशली ट्रीट किया जाता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लीडर्स भी हैं जो कोरोना में भी काम कर रहे थे, यानी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म भी देता है आगे एक्सेल करने के लिए। दूसरा एक तो है कि सिर्फ अब चुनाव लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी ABVP के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई स्टूडेंट है जो सेवा में अपना, सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता है, उसके लिए हमारे पास अलग से प्लेटफॉर्म है। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए शोध का अलग से प्लेटफॉर्म है, कला के क्षेत्र के लिए कला वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो जुड़ सकती है और अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर सकती है। दूसरा, इसके साथ साथ हम मानते हैं कि आज का युवा कल का नागरिक नहीं है, वो आज का नागरिक है, इसलिए क्योंकि जो आज का युवा है वो आज के टाइम पे ही इसी समय में हमारे समाज में एक सार्थक योगदान दे सकता है अलग अलग तरीके से, चाहे हमारे देश में किसी भी तरीके की आपदा आए, किसी भी तरीके की सिचुएशंस आए, तो उसमें ABVP के वॉलंटियर्स काम करते हैं। तो आप जब कभी भी आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो हम जानेंगे कि ABVP कितना ब्रॉड है। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि आप आएँ, हमारा काम देखें, हमारे साथ काम करके देखें, हमारा अनुशासन देखें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देखें। हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, जात, मजहब से ऊपर उठ के सिर्फ एक राष्ट्र प्रथम की बात लेकर के काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हुए सार्थक तरीके से समाज के लिए योगदान दे। थैंक यू फॉर हैविंग एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अस। सो दिस इज हरिका फ्रॉम PU पल्स, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर चैप्टर्स ऑन PU वोटा दिया। आई एम हरिका फ्रॉम PU पल्स विद कैमरामैन दिव्यम।